नमस्कार दोस्तों, आपको स्वागत है आपके अपने चैनल टेक्निकल एमसीक्यू में। फ्रेंड्स, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर की तरफ से वैकेंसी ओपन की गई है इसरो डिपार्टमेंट में। तो फ्रेंड्स, एक अच्छी वैकेंसी निकली आईटीआई कैंडिडेटों के लिए। तो जैसे कि हम देख रहे हैं, जो पोस्ट फिटर है उसकी जो नंबर ऑफ पोस्ट है टोटल निकाली गई है वो है 24, जिसमें यूआर की 12, ओबीसी की 5, एससी की 3, एसटी की 1 और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं। 3 पोस्ट निकाली गई है उन लोगों के लिए। और फ्रेंड्स, इसके लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो 10वीं क्लास पास होना चाहिए आप विथ आईटीआई, या फिर आपके पास एनएससी का सर्टिफिकेट है तो आप इस वैकेंसी को भर सकते हैं। आगे बात करें हम कौन कौन से ट्रेड मांगी गई हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है 20 पोस्ट हैं, मशीनिस्ट की 3 है, मैकेनिक मोटर मैकेनिक व्हीकल मैकेनिक डीजल की 3 पोस्ट है, केमिकल ऑपरेटर की 2, टर्नर की 2, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक की 2 पोस्ट निकाली गई है, एमआर एंड एसी की 2, इलेक्ट्रीशियन की 2 पोस्ट हैं, बेल्डर की 1, फिटर कम इंडस्ट्रियल रेडियोग्राफर की 1, ब्लैक स्मिथी की 1, केमिकल ऑपरेटर मेंटेनेंस मैकेनिक की 1, बॉयलर की 1 और मैकेनिकल की से 6 पोस्ट निकाली गई है। मैकेनिकल डिपार्टमेंट में जो भी मैकेनिकल ट्रेड हैं वे आ जाएंगी इस पोस्ट के लिए। 10वीं प्लस आईटीआई और मैकेनिकल ट्रेड का सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। और हम वीडियो में आगे बात करें तो ये जो स्टार्ट होगी डेट 16/12/2019 से एप्लीकेशन ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि 30/12/2019 तक चलेंगे। जो लास्ट डेट है 30/12/2019 रखी गई है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर। और हम पोस्ट की बात कर लें तो यहाँ पर टोटल पोस्ट दी गई हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं सभी ट्रेडों जो भी पोस्ट हैं अपनी उसके हिसाब से हर ट्रेड की पोस्ट यहाँ पर इस चार्ट में दी गई है। और आपका जो पे स्केल है वो 28,800 रखा गया है सभी पोस्टों के लिए। आगे हम बात करें तो एज लिमिट जो है आपकी, जो मिनिमम एज है, कम से कम आप 18 साल के तो होना ही चाहिए, 18 से कम वाले नहीं भर सकते इस वैकेंसी को। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो जो आपका सिलेक्शन है वो 2 स्टेज में है। पहले स्टेज में आपका रिटर्न टेस्ट होगा और दूसरी स्टेज में आपका स्किल टेस्ट होगा। मतलब जो आपका रिटर्न टेस्ट होगा उसके आधार पर आपकी मेरिट बनेगी। और हम आगे बात करें तो जो जनरल कंडीशंस हैं, जैसे कि आप इंडिया के निवासी होना चाहिए, ओनली इंडियन नेशनल नीड अप्लाई। और आगे हम बात करें पेमेंट के बारे में कि आपकी इतनी फीस कटेगी, तो सभी कैंडिडेटों के लिए यहाँ पर नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फ़ी जो रखी गई है वो 100 रुपये रखी गई है। और आगे हम बात कर लें 20वें पॉइंट में लिखा है जो मेन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, द एप्लीकेशन नीड नॉट सेंड एनी डॉक्यूमेंट सच एज प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन कॉपीज एंड सर्टिफिकेट मार्क लिस्ट इन प्रूफ ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस एज ईटीसी। मतलब आपको कोई भी ऑफलाइन डॉक्यूमेंट सेंड नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये आपके लिए एक अच्छी वैकेंसी है, तो आप आईटीआई कैंडिडेट हैं तो ज़रूर इसे भर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी ऐसी क्वायरीज हैं जो आपको समझ में नहीं आ रही है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो पूरी देखने के लिए आपका धन्यवाद। आगे वीडियो ऐसी आती रहेंगी। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब का बेल आइकन पर क्लिक कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।